Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson 6, Weathering the Storm in Irsama. So, let us see. 2 days later, which seemed to Prasanth like 2 years. 2 din ke baad, jo Prasanth ko 2 vars lage the, 2 vars jaise lage the, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. वर्षा रुक गई और वर्षा का पानी धीरे धीरे उतरने लगा. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत बिना विलंब किए, बिना किसी देरी के अपने परिवार को ढूंढना चाहता था. But the situation was still dangerous. लेकिन स्थिति अब भी खतरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत, और उसके मित्र की परिवार ने प्रशांत से प्रार्थना किया टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, कुछ और समय रुकने के लिए. और प्रशांत के मित्र के परिवार ने उसे कुछ और समय तक रुकने के लिए प्रार्थना किया, से कहा. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, उसने एक लंबी मजबूत छड़ी ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज, और बाढ़ के पानी से भरे हुए 18 किलोमीटर के अभियान पर चल दिया. थ्रू द स्वेलो सोलन फ्लड वाटर ही इक्विप्ड विद हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने एक लंबी मजबूत छड़ी ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से भरे हुए 18 किलोमीटर के अभियान पर अपने गांव की ओर चल पड़ा. इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, इस यात्रा को वह कभी नहीं भूल सका. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, सड़क की स्थिति तथा ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज टू स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो, सड़क की स्थिति तथा कम गहरे पानी की स्थान को जानने के लिए वह छड़ी का प्रयोग करता था. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई स्थानों पर पानी कमर तक गहरा था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसकी गति धीमी थी. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, कई स्थानों पर वह सड़क को खो देता था. एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ता था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वेयर ऑल्सो रिटर्निंग टू दियर विलेज, कुछ समय के पश्चात उसे राहत मिली जब उसने अपने चाचा के 2 मित्र मिले जो गांव लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने साथ चलने का निर्णय किया. एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकैब्री, एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, पानी में चलते हुए उन्होंने जो दृश्य देखे वे और अधिक विभत्स होते गए. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन ओमेन चिल्ड्रन एंड कारकासेज ऑफ डॉग्स गोट्स एंड कैटिल दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन ओमेन चिल्ड्रन, उन्हें कई लाशें, आदमी, औरतें,
बच्चे, कारकासेस ऑफ डॉग, गोट्स एंड कैटल, कुत्ते, बकरियों और पशुओं की लाशों को टू पुश अवे, उन्हें धकेलना पड़ा। दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने पर उनके सामने आ रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, जिस गांव से गुजरते, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, उन्हें मुश्किल से ही कोई गांव, कोई गांव खड़ा दिखाई देता। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफे, उसे विश्वास था कि इस विनाश लीला में उसका परिवार नहीं बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुड़ा, आखिर प्रशांत अपने गांव कलिकुड़ा पहुंच गया। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल ठंडा हो गया। वेयर दियर होम वंस स्टूड, जहां पर उसका घर था, वेयर ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स रूप, वहां केवल घर के अवशेष थे। सम ऑफ दियर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, उसका कुछ सामान काले पानी के ऊपर पेड़ की शाखाओं में अटका, टूटा या मुड़ा नजर आ रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। नवयुवक प्रशांत ने अपने परिवार की तलाश के लिए रेड क्रॉस शरण स्थल जाने का निश्चय किया। एमंग द फर्स्ट पीपुल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, भीड़ में नजर आने वाले व्यक्तियों में पहली उसकी नानी थी। वीक विथ हंगर, भूख से कमजोर, सी रश टू हिम, हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आई ब्रेमिंग, वह छलछलाई आँखों से और अपने आँखों से अपने हाथ फैलाकर तेजी से आगे बढ़ी। इट वॉज ए मिरेकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिव हिम अप फॉर डेड, वे उसे मरा हुआ समझ रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।